हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। तो कहिए कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा ये डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की। ये आपकी वर्कशीट नंबर बेटा 7 है और ये आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है क्लास 6 की। आप सोच रहे होंगे बेटा कि इस वीक में ये दूसरी वर्कशीट आ गई इंग्लिश की, तो बेटा आपके सिलेबस को भी कवर करवाना है, इसीलिए जो है आपकी दो दो वर्कशीट आ रही हैं आपके सिलेबस से। तो आज की जो वर्कशीट है बेटा, एक इंग्लिश की वर्कशीट आई है आपकी, दूसरी जो है दूसरी साइंस की वर्कशीट आई है। तो बेटा उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जो है जैसा कि स्टूडेंट को अपना नाम लिखना है यहाँ पर और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम। ये वर्कशीट जो है बेटा 14 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। तो हमारा ये है चैप्टर नंबर 2, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर से ये वर्कशीट ली गई है बेटा। जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा है कि जो है डॉग एक अपने लिए एक ऐसा मास्टर चूज करना चाहता है जो कि क्या हो, स्ट्रांग हो, जो कि पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। तो पढ़ते हैं बेटा, ए स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। देखिए बेटा कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वर्कशीट समय पर मिलती रहे। तो देखिए बेटा यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो उनको क्या करना है हमें पढ़कर ये देखना है कि कौन से ट्रू हैं, कौन से फॉल्स हैं, यानी कि कौन से सच हैं, कौन से झूठ हैं। तो सबसे पहले था डॉग वाज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ, यानी कि जो है डॉग बहुत ही टायर्ड हो गया था, बहुत ही जो है सिक, यानी कि सिक वैसे तो होता है बीमार बेटा यहाँ पर कि बहुत ही जैसे वो हो जाती है, टायर्ड हो गया था, थक गया था। और किसके लिए बेटा, क्योंकि वो एक अपना मास्टर ढूंढ रहा था जो जिसको ढूंढने में वो बहुत ही टायर्ड और सिक महसूस कर रहा था, अपने आप को दुर्बल महसूस कर रहा था। तो क्या ये सच है? यस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रू, क्योंकि जब उसे मास्टर नहीं मिला था तो वह ऐसा ही महसूस कर रहा था। आगे है बेटा टू है, ही वॉन्टेड टू बिकेम द मास्टर ऑफ वन हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। तो यहाँ पर बेटा डॉग के विषय में कहा कि डॉग जो है ऐसे जो है आदमी का मास्टर बनना चाहता था जो कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। तो ये बेटा फॉल्स है, क्योंकि डॉग है वो एक ऐसा मास्टर चूज करना चाहता था, ऐसे मास्टर का जो है डॉग वो नौकर बनना चाहता था जो कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। थर्ड है बेटा हमारा कि ही मेड द फॉक्स एज हिज मास्टर, कि जो है ही मेड द फॉक्स एज हिज मास्टर। तो क्या उन्होंने फॉक्स को यानी कि लोमड़ी को अपना मास्टर बनाया? तो ये क्या है बेटा, गलत है। तो ये हम लिखेंगे फॉल्स। ये आगे है बेटा द बेयर वाज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ। तो जो है बेयर क्या था, स्ट्रोंगर जो है शक्तिशाली था वुल्फ से। तो ये क्या है बेटा, ट्रू है, क्योंकि सबसे पहले वुल्फ मिला था उसे, उसके बाद बेटा बियर मिला था। तो वुल्फ ने सोचा कि जो है बियर मेरे से ज्यादा स्ट्रोंग है। आगे है बेटा द बियर वाज स्ट्रोंगर देन द लॉयन। तो ये क्या है बेटा, ये फॉल्स है, क्योंकि जो है बियर किससे, लॉयन से स्ट्रोंग था। तो ये हम लिखेंगे फॉल्स। आगे है बेटा द डॉग इज द मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट। तो ये लिखेंगे बेटा ट्रू। तो क्या है बेटा, जो डॉग होता है वो मैन का लॉयल सर्वेंट होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यस। आगे है बेटा द डॉग इन द स्टोरी वॉज इन लुक आउट ए मास्टर, नाउ कम्प्लीट द सेंटेंस इज गिवन बिलो, हु कैन पिक अप द पैराज फ्रॉम द हैंड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर देखिए बेटा कुछ जो है सेंटेंसेस दी, पैरा दिया गया है ये, इसमें जो है कुछ सेंटेंस ब्लैंक दिए गए हैं और नीचे हमारे हिंट दिए गए हैं, क्या करना है हमें, इनको पूरा करना है। तो यहाँ पर है बेटा द डॉग वॉज इन लुक आउट ऑफ मास्टर बिकॉज ही वॉज टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अलोन। तो क्या है बेटा, डॉग जो है एक अपना एक मास्टर चूज करना चाहता था क्योंकि वो टायर्ड और वॉन्डरिंग और एंड अलोन क्या हो गया था बेटा, वो टायर्ड हो गया था और अलोन अकेला हो गया था। द फर्स्ट मास्टर ऑफ द डॉग वाज द, कौन था बेटा डॉग का फर्स्ट मास्टर, कौन था बेटा, वुल्फ। आगे है बेटा नेक्स्ट मास्टर ऑफ द डॉग वाज द बेयर, क्योंकि वुल्फ के बाद किसको मास्टर बनाया था उन्होंने, डॉग ने बेयर को। आगे है बेटा द डॉग चूज लॉयन एज हिज मास्टर बिकॉज ही वॉज द स्ट्रोंगेस्ट एनिमल इन द जंगल।
तो क्या डॉग ने सोचा, बेटा डॉग ने जब लोयन को चूज किया तो वो क्या सोचता था कि जो है लोयन ही जो है जंगल में सबसे ज्यादा और इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा स्ट्रोंग है। तो आगे है बेटा, द डॉग फाइनली चूज मैन हैज हिज मास्टर बिकॉज ही वॉन्टेड ए मास्टर हु वाज स्ट्रोंगेस्ट देन एनीवन ऑन द अर्थ। तो जो है फाइनली डॉग ने मैन को अपना जो है मास्टर चूज कर लिया क्योंकि वो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा स्ट्रोंग था। यहाँ पर बेटा ये जो हमने ये यहाँ पर लिखे हैं ये इसी में से चूज किए हैं, तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं। तो सबसे पहले में कौन सा आएगा बेटा, ही वॉज टायर्ड, यहाँ पर हम लिखेंगे वन। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे टू। इसके बाद था थ्री में क्या था बेटा, बियर। इसके बाद फोर्थ में क्या था, ही वॉज स्ट्रोंगेस्ट इन द जंगल, फोर। और यहाँ पर लास्ट में बेटा ये इसमें फाइव। आगे है बेटा सी है, लेट्स एड एस टू मेक प्लूरल। तो सिंगुलर और प्लूरल बेटा एक वचन और बहुवचन। सिंगुलर होता है बेटा एक वचन यानी कि एक डॉग, और एस लग जाता है तो क्या बन जाता है, वो प्लूरल हो जाता है, तो वो हो जाता है डॉग्स, यानी कि यहाँ पर तो एक डॉग और यहाँ पर डॉग्स यानी कि बहुत सारे। इसके बाद ऐसे ही हमें ये करने बेटा लोयन, एक लोयन, और जब लोयन एक लोयन, और जब जो एस लग जाता है तो वो क्या बन जाता है बेटा, प्लूरल बन जाता है, तो लोयंस बहुत सारे हो जाते हैं। काउ सिंगुलर है और काउज प्लूरल है। इसके बाद है बेटा बियर, बियर सिंगुलर, बियर्स प्लूरल। आंट सिंगुलर यानी कि एक, आंट्स बहुत सारी प्लूरल। इसके बाद है बेटा एलिफेंट सिंगुलर और एलिफेंट्स प्लूरल, यानी कि एलिफेंट जो है वो सिंगल है और एलिफेंट्स जो है वो बहुत सारे एलिफेंट्स हैं, और यहाँ पर वन एलिफेंट और यहाँ पर बहुत सारे, यानी कि एक से ज्यादा में क्या लगता है बेटा एस लग जाता है, वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। इसके बाद है बेटा रैबिट, रैबिट वन रैबिट सिंगुलर, और इसके बाद बेटा रैबिट्स प्लूरल यानी कि बहुत सारे एक से ज्यादा। कैट वन कैट, कैट्स एक से ज्यादा कैट्स प्लूरल। टाइगर वन कैट वन टाइगर, और टाइगर्स एक से ज्यादा यानी कि प्लूरल। तो आगे है बेटा कोइड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड 19 वी के मास्क। तो क्या करना है बेटा, हमें जो है कोविड 19 से बचने के लिए हमें क्या लगाना है, मास्क जरूर लगाना है। तो बेटा आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।